फाइनली मैंने वन पीस मूवी रेड को देख लिया। और भाई मुझे मालूम है मैं 2 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत सारे लोग चाहते थे यार कि जिस दिन मूवी रिलीज हुआ उसी दिन मैं इसके ऊपर रिव्यू बना दूँ, बट थोड़ा समझा करो। लगभग मैंने 400 किलोमीटर का ट्रैवल किया आना जाना मिला करके। और भाई कल जब मैं वापस आया दोपहर के 2 बज रहे थे शायद, और उसके बाद आकर के मैं सीधे सो गया और फिर सीधा सुबह को उठा क्योंकि नींद का ठिकाना नहीं, ठीक से मैं सोया नहीं था। और उस पूरे ट्रैवल में, पूरे जर्नी में मेरा सबसे बढ़िया वाला टाइम था तो वो 2 घंटे थे जब मैंने मूवी को इंजॉय किया। वैसे आज के वीडियो में हम लोग जो इस मूवी को रिव्यू करेंगे और ये पूरा का पूरा स्पॉइलर फ्री होगा, तो टेंशन मत लो जिसने भी मूवी को नहीं देखा अब तक। और हाँ, जो लोग मूवी को अभी तक नहीं देखे हैं जा करके इस मूवी को थिएटर में जाके इंजॉय करो, उसके बाद आकर के अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। साथ ही साथ यार इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्रीज में भी रिलीज हो रहा है, पाकिस्तान में भी रिलीज हो रहा है ये मैंने सुना था किसी के मुंह से, वैसे मेरे को ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो बता सकता है कि पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज हो रहा है कि नहीं। बांग्लादेश में भी रिलीज होगा ये मैंने सुना था, और हाँ नेपाल में रिलीज होगा इस बात का मेरे को कन्फर्मेशन है बिकॉज काठमांडू में रिलीज हो रहा है ये मूवी। अब देखो बात करते हैं रिव्यू से पहले, क्या ये मूवी इंडिया में सुपरहिट होगी। देखो यार जिस हिसाब से फैन बेस था, जिस हिसाब से यार ऑडियंस देखने गई थी, मैंने जितना उम्मीद किया था ना उससे कई ज्यादा ये कमा सकती है। भाई टिकट ऐसे बिक रहे हैं मैं क्या ही बोलूं। इन लोगों ने 3 दिन का शो रखा था बस, वो भी रात के 8 बजे पर, रात के 8 बजे भी लोग जा रहे देखने के लिए, तो उन्होंने सुबह और शाम दोनों के लिए शो रख दिया, प्लस ये टाइम और बढ़ा दिया गया है। मतलब क्या ये मूवी चल रही है, वरना 3 दिन बाद ही उतार दिया जाता थिएटर से, लेकिन लोग इसको देखने जा रहे हैं। वैसे ये मूवी ऐसी मूवी है ना हर वन पीस फैन देखने जा रहा है, दूसरे एनिमे फैंस हो सकता है नहीं जा रहे होंगे बिकॉज वन पीस एक ऐसा सीरीज है जिसको तुम्हें समझने के लिए पहले के 1000 एपिसोड तुमको देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही जाकर के तुमको समझ में आएगा। वरना फिर ये मूवी अगर डायरेक्ट जाके कोई देखेगा ना उसको ये मूवी खास पसंद नहीं आएगी, और नॉन एनिमे फैन को तो ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। वैसे जब मैंने इस मूवी को देखा उसके बाद मैंने एक चीज रियलाइज किया कि आखिर क्यों फॉरेन के ऑडियंस को ये मूवी पसंद नहीं आई, अंग्रेजों ने इसको पसंद क्यों नहीं किया। इसका मेन रीजन था यार गाने। अब देखो दूसरे कंट्रीज में विदाउट सॉन्ग के मूवीज बन जाती है, गाना बजता है, डांस होता है, ये सारी चीजें हमारे इंडिया में होती है। अब इंडियंस को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यार हमारे इंडिया में बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, बहुत सारे वुड है, पता नहीं क्या क्या वुड है, सैंडलवुड तक है मैंने सुना है, शायद कन्नाड़ा की मूवीज को बोला जाता है सैंडलवुड। तो क्या होता ना मूवीज में गाने होते हैं जिस वजह से यार इंडियंस को आदत सा है, तो वो लोग यार 2-3 गाने अगर बज जाए डांस हो कोई दिक्कत नहीं आता है। अब ये मूवी पूरा का पूरा म्यूजिक पे बेस्ड है तो इसमें तो गाने होंगे, और इसका जो फर्स्ट हाफ है वहां पर तो हद से ज्यादा गाना है। जापान वालों ने म्यूजिक के साथ मूवी को बनाने का ट्राई किया, लेकिन इन लोगों ने ना गानों को जिस हिसाब से यार डाला है इस मूवी में मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा हो गया। फर्स्ट हाफ में मैंने करीब 5 से 6 गाने सुने, पहला गाना बजा थिएटर में भाई हल्ला मच गया, बहुत ज्यादा इंजॉय किया गया, सेकंड में भी इंजॉय किया, थर्ड में भी इंजॉय किया, लेकिन जब फोर्थ आया ना, मतलब फोर्थ के बाद थोड़ा इरिटेट सा होने लग गया क्योंकि हर 5 मिनट के बाद उता गाना गा रही थी और हमें गाना सुनाया जा रहा था। अब देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि गाने बकवास थे बिकॉज सब गाने यार बहुत ही मस्त थे, भले ही समझ में नहीं आ रहा था, सबटाइटल था लेकिन मैं सबटाइटल पे ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि गाना ही मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मैंने ये गाने पहले भी सुन रखे स्पॉटिफाई पे जाकर के प्लेलिस्ट लगा करके, तो यार हर 5 मिनट में वो गाना आ रहा था और मैंने इतने बार गानों को सुन रखा है क्या बोलूं। मेरे को तीसरे गाने के बाद इरिटेट सा लगने लग गया था, लेकिन जब सेकेंड हाफ आता है भाई उस शख्स की एंट्री होती है जिसके लिए सभी एक्साइटेड थे, हाँ वो दिखता है आकागामी सैंक्स आता है और अपना जलवा दिखाता है। अब देखो क्या इस मूवी में सैंक्स एक्शन में है, तो हाँ भाई वो एक्शन में है, सैंक्स इसमें काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है, और देखो यार ये होना ही था बिकॉज वो एक यौंको है और यौंको होने की वजह से उसका जलवा तो यार दिखना ही था, और उसको हम जब देखते हैं ना जब भी वो दिखता है कुछ भी करता हुआ भाई मजा आ जाता है। बात करूं अगर मैं इस मूवी के प्लॉट की तो प्लॉट इन लोगों ने सिंपल रखा है, ज्यादा कन्फ्यूज नहीं किया है, तुम इस टाइप के प्लॉट पहले भी शायद देख चुके होगे, लेकिन इस मूवी को खास क्या बनाती है, उता और सैंक्स का रिश्ता। सैंक्स उसे अपनी बेटी मानता है और वो अपनी बेटी के लिए क्या करने के लिए तैयार हो जाता है लास्ट के मोमेंट में। भाई वो लास्ट वाला सीन हर किसी ने देखा है, मैं नहीं बताऊंगा,
और जब सैंस ने वो काम किया था भाई हिला डाला था यार। वैसे पूरे मूवी में मेरा फेवरेट मोमेंट आता है वो वाला सीन जब कोई शख्स सैंस के सामने अपना ऑब्जर्वेशन हकी झाड़ रहा था, वो फ्यूचर साइड देख के आगे की कहानी बता रहा था और सैंस उसको कहता है चुप कर बे, तू इकलौता नहीं है जो कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हकी यूज कर रहा है। वैसे जिन लोगों ने मूवी देखा है वो लोग समझ गए होंगे। बात करूँ अगर मैं लूफी की तो लूफी इसमें अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ता हुआ नहीं दिखता है। हाँ जो लोग एनिमे फैंस हैं उनके लिए लूफी को फाइट करते वक्त फाइनल मोमेंट पे थोड़ा सा स्पॉइलर मिलेगा, लेकिन वो स्पॉइलर पे बात जब मैं स्पॉइलर वाला रिव्यू बनाऊंगा तब वहां पर करेंगे, और वहां पर यार बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। फाइनली बात करते हैं ऊता के कैरेक्टर को लेके। देखो यार ऊता का कैरेक्टर कैसा पता है, शुरू में अच्छा लगता है, बीच में तो साला हेट करने जैसा लगता है क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी है। वैसे उसके गाने बहुत मस्त हैं बिकॉज वो एक सिंगर है और उसके गाने सुनने में मजे आते हैं। बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ाती है वो, लेकिन एंड में आते आते वो कैरेक्टर बहुत अच्छी हो जाती है। फाइनल कंक्लूजन में आते हैं। देखो यार ये जो मूवी है ना ये किन लोगों के लिए, ये वन पीस फैंस के लिए। दूसरे टाइप के ऑडियंस जाएगी उनके सर के ऊपर से जाएगा बिकॉज वो लोग फर्स्ट हाफ देख के ही छोड़ के चले आएंगे, बिकॉज इसमें कई सारे गाने और फर्स्ट हाफ में तो हद से ज्यादा गाने होने की वजह से उन्हें ये मूवी पसंद नहीं आ सकती है। प्लस अगर तुम एक नॉन वन पीस फैन हो भूल के भी मत देखना ये मूवी। अगर तुम दूसरे एनिमे के फैन हो बस तुम ऐसे सपोर्ट के लिए जा रहे हो, पहले ही बोल देता हूँ इस मूवी को जज मत करना बिकॉज तुमको वन पीस का ओ तक नहीं पता। बट अगर मैं एज ए वन पीस फैन इसको रेटिंग दूं ना तो मैं इसे दूंगा 8 out of 10। अगर इसमें थोड़े से गाने कम होते प्लस इसका जो मेन विलन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जैसे कि डगलेस बुलेट था तो मुझे और ज्यादा पसंद आता। हाँ इसके विलन को जो है इन लोगों ने छिपा के रखा है, साथ ही साथ इसमें कुछ मिस्ट्री वाले एलिमेंट भी है, इस वजह से ये इतना ज्यादा रेटिंग डिजर्व करती है, वरना फिर यार इस मूवी में उतना ज्यादा दम नहीं रहता। लेकिन सैंक्स ने यार गदर मचा दिया और एज ए सैंक्स फैन ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी बनी है वन पीस की जितनी भी मैंने मूवीज आज तक देखी है। खैर ये एक स्पॉइलर फ्री वीडियो था इस वजह से मैं यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। कल जो है मैं स्पॉइलर के साथ वीडियो बनाऊंगा, प्लस वहां पर हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे, एक एक कैरेक्टर को लेके बात करेंगे, तो कल की वीडियो का वेट करना यार। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नहीं आएगा उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, साला कब से 900 फॉलोवर नहीं हुआ है, कब करवा रहे हो। ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।